नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। खबर बिहार के कटिहार की है, जहां बरारी प्रखंड के सुखासन पंचायत में मनरेगा योजनाओं की गई जांच और दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। बरारी प्रखंड के सुखासन पंचायत के वार्ड नंबर 9 में मनरेगा के द्वारा 4 योजनाएं मिट्टी भरे का चल रहा था, जिनका निरीक्षण जिला से आए मनरेगा पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता मोहम्मद अजहर, कार्यक्रम पदाधिकारी दीपक कुमार, डीपीओ पंकज कुमार व साथ में जय सुधीर कुमार मंडल, पीआरएस शकील खान साथ में उपस्थित थे। उन्होंने सभी योजनाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। सारी योजनाएं ऑनगोइंग है, जो भी कमी दिखी पदाधिकारियों को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिया कि कैसे काम को बेहतर ढंग से किया जा सकता है। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि जो भी योजनाएं ऑनगोइंग है, उन्हें कार्य समाप्ति से पहले खत्म कर लिया जाए। वहीं मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद आलम और वार्ड सदस्य इजाबुल ने बताया कि शंकर बांध के किनारे जो योजना चल रही थी, उसका कुछ काम पेंडिंग में रह गया है और योजना की राशि 3,50,000 रुपए के करीब बची हुई है। किसानों की खड़ी फसल लगी होने के कारण बचा हुआ कार्य पूरा नहीं हो पाया था। अब फसल कट चुकी है, जल्द ही योजना को पूर्ण कर लिया जाएगा। वहीं 3 योजना वार्ड नंबर 9 में और 1 योजना वार्ड संख्या 6 में चल रही है, जिसमें मिट्टी भराई का काम आधा हो चुका है और मजदूर नहीं मिलने के कारण अभी कार्य बंद है। पदाधिकारियों को यह भरोसा दिलाया गया है कि मजदूरों की व्यवस्था कर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस पर पदाधिकारियों ने मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद आलम से कहा कि शीघ्र ही सभी योजनाओं पूरा करावे, साथ ही पीआरएस को व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराएं, जिसमें जेई पीआरएस और मुख्य वार्ड मेंबर और मनरेगा पदाधिकारी भी रहेंगे और प्रत्येक दिन का कार्य का फोटो अपलोड किया जाएगा। मनरेगा योजनाओं से जुड़े कार्य सुखासन पंचायत में संतोषप्रद रहा और जो थोड़ी बहुत कमियां पाई गई, उनका जरूरी दिशा निर्देश मनरेगा पदाधिकारियों ने दिया। इसे जल्द से जल्द निश्चित समय पर कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।